नमस्कार दोस्तों, आप लोग कीबोर्ड में हिंदी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगा। आप इंग्लिश जाने बगैर इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हो। आपका फ्रेंड देखकर चौंक जाएगी कि आप उनके साथ कैसे इंग्लिश में चैटिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये सच है कि नहीं। मैं पहले रूम पर चले जाती हूँ, जाकर सर्च बटन में कुछ लिखूंगी कि सचमुच वो इंग्लिश होता कि नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप मैं सर्च बटन में कुछ लिखूंगी कि आप कैसे हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ गया हु आर यू। आप मैं इंग्लिश लिखूंगी वो हिंदी हो जाएगा। मैं लिखूंगी हु आर यू। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ गया आप कैसे हो। इसी तरह से आप आपकी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो। आप लोग कैसे करोगे जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग समझ जाओगे। ये करने के लिए आप लोगों को दो काम करना पड़ेगा। पहला, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाकर सर्च करना गूगल ट्रांसलेट बोल के सर्च करना। आप लोगों के पास जो आ जाएगा इसको डाउनलोड कर लेना। और दूसरा काम, आप लोगों को सेटिंग में जाइए, जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों का एडिशनल सेटिंग दिखाई देगा। उसके बाद लैंग्वेज पे जाइए, यहाँ पे ऐड लैंग्वेज दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे जाइए, जाकर आप लोगों को जो जो लैंग्वेज आती है आप लोग वो लैंग्वेज सेट कर लो। मैंने पहले से ही लैंग्वेज सेट कर लिया। आप अपना फ़ोन का व्हाट्सएप पर जाइए, जाकर आप कीबोर्ड में टच करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो गूगल ट्रांसलेट का एक आइकॉन आ गया। यहाँ पे टच करोगे तो आप लोग देख सकते हो इंग्लिश टू हिंदी आ गया। आप मैं लिखूँगी माई नेम इज़, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम है लिखा आ गया। आप यहाँ पे टच करके आप हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हो, आप इसको सेंड भी कर सकते हो। इसी तरह से आप लोग आपका फ्रेंड के साथ चैटिंग कर सकते हो। यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका फ्रेंड भी हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग शेयर करोगे तो आपका फ्रेंड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।